पैगंबर मोहम्मद का अपमान बीजेपी नेता नुपुर शर्मा को भारी पड़ गया। बीजेपी ने पार्टी प्रवक्ता नुपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया है और इन्हीं के साथ दिल्ली बीजेपी के मीडिया सेल के प्रमुख नवीन कुमार जिंदल को भी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया है। इन दोनों नेताओं पर पैगंबर मोहम्मद और इस्लाम पर की गई विवादित टिप्पणी के लिए ये कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई भाजपा को आनन फानन में इसलिए करना पड़ा क्योंकि पैगंबर मोहम्मद पर की गई विवादास्पद टिप्पणी को लेकर कतर और कुवैत का गुस्सा भारत पर बुरी तरीके से कतर कुवैत और ईरान बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा की टिप्पणी की कड़ी आलोचना कर रहे थे और जमकर अपना विरोध जता रहे थे, जिसके आगे भाजपा को झुकना पड़ा और ये कार्रवाई करनी पड़ी। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के विवादित बयान पर जारी विरोध के बीच बीजेपी ने उनसे दूरी बना ली। बीजेपी ने ना सिर्फ इस तरह के बयानों की निंदा की बल्कि एक प्रेस रिलीज जारी करके कहा कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, जबकि बीजेपी में सभी धर्मों का कितना सम्मान किया जाता है, इनके नेता सभी धर्मों का कितना सम्मान करती है, ये किसी से भी छिपा नहीं है। भाजपा के नेता सभी धर्मों का कितना सम्मान करते हैं, ये बातें और इसके चर्चे जग जाहिर हैं और ऐसे में पार्टी के स्टैंड में अचानक हुए इस परिवर्तन को लेकर लोग काफी चकित हैं। गौरतलब है कि ये बयान तब आया है जब भारत में अल्पसंख्यकों पर आए दिन होने वाले हमलों को लेकर के अमेरिका ने न केवल चिंता जताई बल्कि सार्वजनिक रूप से एक रिपोर्ट भी पिछले दिनों जारी किया था। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद ही संघ प्रमुख मोहन भागवत के विचार भी बदले बदले से नजर आए, जब उन्होंने कहा कि मस्जिदों में शिवलिंग ढूंढना गलत है। मोहन भागवत के इस बयान ने सभी को चौंका कर रख दिया था और अब भाजपा ने पैगंबर मोहम्मद पर घटिया टिप्पणी करने वाली नुपुर शर्मा पर कार्रवाई की है। नुपुर के साथ ही दिल्ली बीजेपी के मीडिया प्रमुख नवीन जिंदल को भी पैगंबर पर टिप्पणी करने को लेकर के पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। अब आपको बता दें कि भाजपा या मोदी सरकार को देश के करोड़ों मुसलमानों के गुस्से की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि वो उनके वोटों के बगैर भी चुनाव जीत सकती है और ऐसा बीजेपी खुद भी कहती है, उनके नेता खुद कहते हैं। लेकिन पश्चिम एशिया के तेल समृद्ध मुस्लिम देशों की नाराजगी से मोदी सरकार की सेहत पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तभी कतर, कुवैत और ईरान जैसे मुस्लिम देशों के आपत्ति जताते ही मोदी सरकार की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। पैगंबर मोहम्मद पर नुपुर शर्मा का बयान 26 मई को आया, लेकिन उसके बाद 10 दिनों तक पार्टी की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, कोई भी निंदात्मक बयान नहीं आया। पार्टी की चुप्पी को सहमति समझते हुए उसके दिल्ली मीडिया सेल के प्रभारी नवीन कुमार जिंदल ने भी 1 जून को और भी आपत्तिजनक ट्वीट कर दिया। उनके खिलाफ भी कुल 3 दिन यानी कि 4 जून तक कोई भी कार्रवाई या कदम नहीं उठाया गया। लेकिन जैसे ही अरब देशों ने विरोध जताना शुरू किया, मोदी सरकार की नींद तुरंत टूट गई। बीजेपी की तरफ से ये कार्रवाई तब हुई जब पश्चिम एशिया में इन दोनों के बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया शुरू हो गई, यहाँ तक कि भारतीय सामानों का बहिष्कार शुरू हो गया। कुछ देशों के मंत्रियों और धार्मिक नेताओं ने इसकी कड़ी निंदा की और वहाँ के स्टोर से भारतीय उत्पादों को प्रोडक्ट्स को हटाए जाने की मांग की, क्योंकि लोग भारतीय प्रोडक्ट्स के बहिष्कार की मांग कर रहे थे। मामला तब और बिगड़ा जब नुपुर शर्मा को मोदी का करीबी सहायक बताया जाने लगा और मुद्दे पर चर्चा के साथ मोदी जी का नाम और फोटो भी जोड़ा जाने लगा, जिससे बाहरी देशों में मोदी सरकार की छवि को धक्का लगने लगा। जब बात केवल नुपुर शर्मा या नवीन कुमार जिंदल तक सीमित नहीं रह गई थी, वो मोदी के अंतर्राष्ट्रीय छवि पर भी आघात करने लगी और ऐसा संदेश जाने लगा, ये चर्चा उठने लगी कि मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार भी इन बयानों के साथ है। तब अपनी छवि को धूमिल होता मिट्टी में मिलता देख मोदी सरकार नींद से जागे और सीधे उन्हें पार्टी से सस्पेंड किया, ये कार्रवाई की और अपनी छवि को साफ रखा। गुजरात दंगों के कारण मोदी पर मुस्लिम विरोधी होने का जो बिल्ला 2002 में लगा था, उसके दाग आज भी पूरी तरह से धुले नहीं हैं। ऐसे में सरकार और बीजेपी के पास इसके सिवाय कोई और चारा नहीं बचा था। प्रधानमंत्री मोदी अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि को लेकर के कितने सजग हैं, ये बातें सभी जानते हैं, लेकिन बीजेपी ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने वाली अपनी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई करके जो एक संदेश दिया है, जो पार्टी के सदस्य और समर्थक नहीं पचा पा रहे हैं, उनका आक्रोश सोशल मीडिया पर साफ झलक रहा है। मोदी की छवि को अरब देशों की नाराजगी की आंच से बचाने के चक्कर में अनजाने में ही मोदी की एक और छवि ध्वस्त हो गई, उनकी एक और छवि को धक्का लगा जो उन्होंने यहाँ भारत में बना रखी थी, एक जिद्दी और अड़ियल शासक की जो कहीं झुकता नहीं है। लेकिन यहाँ मोदी की अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की छवि बचाने के चक्कर में यहाँ की छवि को थोड़ा धक्का जरूर लग गया।
ब्यूरो रिपोर्ट द वीपीएन टीवी।